नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी YouTube चैनल संजय पटेल में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 7 हिंदी नो पाठ चौथो के जेनु नाम छे कथनी और करनी, आ पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नोनी समजूती मेळवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल मां नवा होय तो मारी चैनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो, वीडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो जेथी मारा आगळना तमाम वीडियो पण आपने सरळताथी मळता रहे। तेमज विद्यार्थी मित्रों, जो तमे आ बधा ज वीडियोनी पीडीएफ जोवा मांगता होय तो अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पटेल डाउनलॉड करो, जेना माटे तमारा मोबाइलना प्ले स्टोरनी अंदर विश्वगुरु संजय पटेल लखी सर्च करता आपने सरळताथी एप्लिकेशन मळी रहेशे। तो चलो शुरू करिए धोरण 7 पाठ चौथो कथनी और करनी। सर्वप्रथम अभ्यासना प्रश्नों, पहला प्रश्न सोचकर बताइए। एक, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा प्रश्न, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु से सांस लेने में छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने की मनाई की जाती है। तीसरा प्रश्न, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो उत्तर है, फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों के उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। चौथा प्रश्न, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान में राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल के लिए की गई खरीदी का बिल चुकाने के कतार लगी रहती है। ब्रेक में बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न दो, विराम चिन्हों और उनके नाम की जोड़ बनाइए, जिसमें उत्तर होगा पहले के सामने आएगा चौथा, दूसरे के सामने पांचवा, तीसरे के सामने पहला, चौथे के सामने छठा, पांचवे के सामने दूसरा और छठे के सामने आएगा तीसरा। ब है, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहला, फूल तोड़ना मना है। दूसरा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तीसरा, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। चौथा, धारा रात दिन पढ़ती रहती है। और पांचवा, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? तो वे विराम चिन्ह वाले वाक्य है वह हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। तो पहले में मनुष्य जातिवाचक होगा, दूसरे में पौधे जातिवाचक होगा, तीसरे में शहर जातिवाचक होगा और चौथे में फूल जातिवाचक संज्ञा होगा। चौथा प्रश्न, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो राकेश चंपक और गीता वार्तालाप करते हुए, राकेश, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफी मुश्किलें आती है। चंपक, धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता। गीता, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश, मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। चंपक, अरे भाई जिनकी कथनी और करनी एक होती है
वे संत कहलाते हैं, यहाँ न किसी की माँ संत है न बाप। गीता। फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है, दुनिया में उसी मनुष्य का आदर होता है। 5वां प्रश्न, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो परिच्छेद दिया गया है उसको आप पढ़ के यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे। पहला प्रश्न, हम पर किस किस का ऋण है? तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। दूसरा, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। तीसरा, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चौथा, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। 5वां, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा। त्यार पछी स्वाध्यायना प्रश्नो, जेमा पहलो प्रश्न, अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मैं जानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन, डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख पाते। दूसरा प्रश्न, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे उन्हें पढ़िए। तो कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊँगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर ना हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी को करनी में बदलना ही होगा। तीसरा प्रश्न, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। फूल तोड़ना मना है। पहला होगा, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। दूसरा, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। और तीसरा, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणो पाठ 4 कथनी और करनी ना अभ्यास ने स्वाध्यायना प्रश्नों पूरा थाय छे। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે પાઠ 5 ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.